से बड़ी खबर इस वक्त डीडीओ का राम मंदिर मुद्दे पर विवादित बयान सामने आया। वीडियो भी इसमें वायरल हुआ है, जो विवादित बयान है उसका वीडियो वायरल हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर है ही नहीं बल्कि वहां बाबरी मस्जिद थी। डीडीओ के बयान के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। तो औरैया के जिला विकास अधिकारी हैं असल में डीडीओ साहब, जिनका कहना है कि राम मंदिर वहां था ही नहीं। बिल्कुल बन भी नहीं सकता साला। तो मंदिर हमारे धीरी पे है थोड़ा पास ही में। मंदिर कहाँ? अच्छा वो तो ही मस्जिद से ढहा दी गई, वो प्लेन हो गया होगा। बिल्कुल बन भी नहीं सकता साला। तो मंदिर हमारे धीरी पे है थोड़ा पास ही में। मंदिर कहाँ? अच्छा वो तो ही मस्जिद से ढहा दी गई, वो प्लेन हो गया होगा। बिल्कुल बन भी नहीं सकता साला। तो मंदिर हमारे धीरी पे है थोड़ा पास ही में। मंदिर कहाँ? अच्छा वो तो ही मस्जिद से ढहा दी गई, वो प्लेन हो गया होगा। और औरैया से मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये डीडीओ साहब को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक गंजाम जी बताता है, ये डीडीओ साहब शकील अहमद जी हैं, तो ये पहले भी कई एक आध ऐसे बयान दे चुके हैं। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वहां पर अयोध्या में कोई राम मंदिर नहीं था, वहां बाबरी मस्जिद थी, जो मस्जिद थी उसे ढा दिया गया है। ये जब वीडियो वायरल हुआ तो जनपद के तमाम हिंदू संगठनों में काफी रोष व्याप्त है। हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी से टेलीफोन पर बात की और पुलिस अधीक्षक को भी सूचना दी है कि ऐसे विवादित बयान देने वाले अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया है कि राम मंदिर के मुद्दे पर आपसी सलह समझौता बाहर करके इसको निपटा लिया जाए, फिर भी ये सरकारी जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं ये इस तरीके का बयान देकर के हिंदू संगठनों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जी आशीष, जिलाधिकारी से बात करने के बाद उनकी तरफ से कोई रिस्पांस मिला है, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने जिलाधिकारी ने इतना कहा, हिंदू संगठनों ने जिन्होंने बात की है तो उन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ जांच कराई जाएगी, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए, कैमरे में बोलने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है। चलिए, वीडियो वायरल हो गया और तस्वीरें हालांकि बहुत कुछ बयां कर रही है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका। तो डीडीओ साहब कह रहे हैं कि वहां तो मंदिर था ही नहीं।